हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो आज मैं फिर गई थी बाज़ार में, और लड़का और अभी आई हूँ मैं, और सामान दिखाती हूँ आपको क्या लेके आई हूँ। क्योंकि मुझे ना, आप भी सोचते होंगे, जब जाती है बाज़ार तब अपना सामान दिखाने लग पड़ती है। मेरे को पता क्या है, एक तो हम वीडियो बनाते हैं और कैमरा तो हम हर टाइम जब बाहर जाते हैं, घर में होते तो कैमरा हमें उठाना ही पड़ता है क्योंकि रोज़ का काम होता है हमारा। तो बाज़ार आज तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई है, पर ये कि मैं सामान जो भी लेके आई हूँ मुझे दिखाने को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और हम भी उनसे अपनी बातें शेयर करें, हम जो भी लेके आए मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों आपसे शेयर करना। तो मैं अभी ना आपको सामान दिखाऊंगी। मैं अभी आई हूँ, बस 10 मिनट हुए हैं मेरे को आए हुए। तो मैंने सामान, फिर मैंने कहा अभी बना देती हूँ वीडियो, क्योंकि फिर सामान मैं लगा दूँगी फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो अभी मैं ना थोड़ा सा वन बाई वन करके आपको जो भी लेके आई हूँ वो मैं फिर से दिखाती हूँ। अभी सिर्फ एक बार जाऊँगी। आज है, आज क्या बार है, वीरवार है, आज मंगलवार है, या पता नहीं 15 तारीख है, मंगलवार है कि पता नहीं क्या है। तो गई थी 10 बजे गई थी, और आज बहुत टाइम लगा। एक टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम आ जाते हैं 1 घंटे में, पर मेला लगा है तो बस घूमते घूमते पता नहीं चला कब का टाइम हो गया, कोई पता नहीं चला। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई हूँ। खाती हूँ आपको जो मेरा पर्सनल सामान है वो मैं नहीं दिखाऊंगी। और ये बर्तन बार, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये लेके आई हूँ किचन के लिए। और ये सुहागिन वाला सामान लेके आई हूँ, जैसे कि ये रबड़ हो गए, बिंदी, मिरर वगैरह, जो भी फोम कंघी जो भी लगती है। एक सुहागिन वाला ये चूड़ी, चूड़ी लेके आई हूँ। और ये जो मैंने, जो इसके साथ शरारा है ना, इसके साथ येलो कलर, आपको याद होगा मोनिका के घर मैंने सिला था ये शरारा, तो उसके साथ ये वाली कमीज लेके आई हूँ। वह मैंने जो कपड़ा लिया है ना, तो उसके साथ मैंने पेटीकोट ऑर्डर कराया हुआ है, पर पता नहीं अब दिखा नहीं रहे हैं। इसमें 22 अक्टूबर को आएगा तो क्या फ़ायदा, जब मैं लूँगी बता तो हो जाएगा, तब मेरे को जरूरत नहीं होगी। बाज़ार में देखा आई हूँ, अगर नहीं आया तो बाज़ार से मुझे लेना पड़ेगा। और ये लिया है मैंने दुपट्टा, जो करवाजोत के लिए ओढ़ने के लिए। पता क्या होता है, मैं हर साल, मेरे पास दुपट्टा नहीं था, मतलब शादी का तो है, भूत है भी है, वो ओढ़ा नहीं जाता है। व्रत कोई भी पूजा पाठ करनी हो तो ये रेड कलर का हमेशा होनी चाहिए लेडीज़ के पास। पर मैं हर साल बहुत मतलब सोचती थी कि मेरे पास भी होना चाहिए, एक दुपट्टा नहीं था। मैं कब से, मतलब कितने साल हो गए मैं सोच रही कि इस बार लूँगी, पर ले नहीं पा रही थी मैं। तो इस बार मैंने पता क्यों लिया, अब की बार पता नहीं हो जाती नहीं होता मेरे पास, पर अब की बार मेरे पास लाइट कलर की देखी होगी अपनी, बेबी पिंक कलर की साड़ी है मेरी, तो इसलिए मैंने रेड दुपट्टा लिया, उसके साथ अच्छा लगेगा और ओढ़ने के लिए। क्योंकि रेड करवा चौथ वाले दिन सुहागनों को रेड या तो सूट पहनना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए, सूट, साड़ी। इस बार मैंने साड़ी वेयर करूँगी, देखना मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग, जिनमें जो साड़ी है मेरी पिंक कलर की, तो उसके साथ वाला ये दुपट्टा लेके आई हूँ मैं, ये वाला, और बहुत प्यारा है। इसमें छन छन की आवाज़, घुंघरू भी लगे हुए साइडों में। ये है, ये इनकी ना छन छन हो रही है इनकी चारों तरफ, और दिखाती हूँ आपको मैं। अच्छा लग रहा ना, है ना। एक ये है, और हाँ वो ना साड़ी को मैं स्टिच करने वाली थी, कल साड़ी स्टिच करी है मैंने, प्लेट्स मैंने डाल दी है, प्लेट्स डाल दी है मैंने, पर ना वो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा, पतला सा कपड़ा है ना वो, तो उसके लिए अलग सा वो लगेगा ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा, क्योंकि वो ना पतला है ट्रांसपेरेंट सूट पर साड़ी। तो अगर मैं बुकरम लगाती उसमें, ये लास्टिक वगैरह लगाती तो वो ऐसे फोल्ड करती तो वो दिखता वो, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और ज़्यादा महंगा नहीं, 20 रुपये का दे दिया उन्होंने, आधा मीटर होगा का, ये साड़ी का है, गई मैं इसी के लिए थी। क्या लिया मैंने,
ये बीज जिठाने में मंगवाए हैं उनको देने हैं, और ये लेके आई हूँ मैं मेरे से ये वाला कांच का, ये नहीं डालूँगी इसको सजाने के लिए टेबल में रखने के लिए, कांच का बिल्कुल ऐसे ना लाइट जो होता है ना कागज़ी, मतलब कागज़ की तरह है ये पतला सा, इसे पानी डाल के ना अच्छा सा लगेगा, ये रंग कलर अच्छा है ऑरेंज कलर ये। और मैं लेके आई हूँ ये भगवान जी, मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे ना ये, और ये एक ही मतलब शौक के थे तो ये देखने लगी, फिर मैं यहाँ गई भगवान की तरफ तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे। ये छोटू सा गणेश भगवान देखो कितना छोटा सा है ना, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि हमारे पास है पर बहुत पुरानी हो गई है वो, तो इस बार मैं ये लेके आई हूँ जय गणेश भगवान। और ये ना इसकी है मतलब जैसे पानी का छींटा हम पानी भी लगाएंगे इसमें तो ये ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि ये उसका ये पत्थर का ये क्या बोलते हैं उसको संगमरमर उसका ये एक ये है, और ये है शिव भोले और पार्वती, शिव पार्वती और गणेश भगवान, ये भगवान जी ये दो बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे ये वाले, जय जय ये है बस यही सब है। और बताना ये दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बस अब नहीं लूँगी मैं ये, हर साल यही ऑर्डर करूँगी दुपट्टा, मतलब जैसे सूट कोई भी लाइट कलर का हो गया तो दुपट्टा ये वाला दुपट्टा अच्छा लगता है ये अच्छा लग रहा है ना, कुछ राहत होनी। बस गाइस बस यही सामान था छोटा मोटा, और मेले लगे थे तो जलेबी पकौड़ा भी बनता है मेलों में तो वो लेके आई हूँ, बस थक गई हूँ घूमना नहीं होता मेरी तक तो धूप में, मतलब है तो सर्दी है पर सर्दियों में धूप बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से एकदम से ना, सर्दा में बहुत ज़्यादा होती है पेन मेरे को, तो चलो चेंज करती हूँ खाना खाऊँगी। तो प्लीज़ बना ये बताना आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है, कौन सी चीज़ पसंद आई है, सभी अच्छी लगी होंगी आपको, और मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।